असलकम टुडेज़ लेक्चर नंबर थर्टी फोर ऑफ सी एस टू ज़ीरो वन इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग आज के लेक्चर में हम ऑब्जेक्ट्स और उनकी अरेज़ के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि जी इनका फ्री स्टोर के साथ क्या इंटरेक्शन होता है देन वी विल टॉक अबाउट न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर्स एंड मे बी वी विल हैव एन अफ टाइम टू कवर द ओवरलोडिंग ऑफ़ द अरे ऑपरेटर

तो अगर हम इंटीजर्स क्रिएट कर सकते थे तो वी हैव ऑलरेडी वर्क विद एरेज ऑफ इंटीजर्स सो वाई नॉट वी वर्क विद एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स सर्टनली वी कैन एंड द डलरेशन इज़ वेरी वेरी सिमिलर इन फैक्ट इज एग्जैक्टली आइडेंटिकल द वे वी डू दैट इज़ टू डिक्लेयर एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स तो अगर डेट है फॉर एक्जाम्पल हमारे पास तो हम कह देते हैं डेट स्पेस माई डेट्स विद इन स्क्वेयर ब्रैकेट्स टेन

वी एव ऑलरेडी डेल्ट विद कंस्ट्रक्टर्स टू क्वाइट एन एक्सटेंट एंड वी हैव सेट दैट लुक बाय एंड लार्ज हम अपनी जब क्लासेज क्रिएट करेंगे तो उनके साथ कॉन्स्ट्रक्टर्स हम ख़ुद डिफाइन कर रहे होंगे सो so, जब हम ऐसी कोई लाइन लिख देते हैं डेट माई डेट्स टेन तो हर ऑब्जेक्ट के लिए फ्रॉम माई डेट्स जीरो माई डेट्स वन ऑल द वे अप टू माई डेट्स नाइन एक एक दफ़ा कॉन्स्ट्रक्टर कॉल हो रहा होता है और कॉन्स्ट्रक्टर किस क्लास का डेट क्लास का यहाँ पे हमने कोई इनिशियलाइजेशन नहीं की सिंपली एक एरे क्रिएट की है तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो भी हमने डिफाइन किया हुआ है वो कॉल होगा याद रहे कि अगर हम वही पुराने वाला डेट क्लास इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें हमने मंथ डे और ईयर रखे हुए थे और फिर उनको कोई डिफॉल्ट वैल्यूज़ भी दी हुई थी तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा होगा अगर कोई कंस्ट्रक्टर था विच टुक नो आर्गूमेंट्स तो फिर वो कॉल हो रहा होगा एंड सो ऑन बट अ कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड for every object that is created by declaring an array of objects can we somehow initialize this array while declaring it it is exactly the same as initializing an array of native data types they can integers kliyam karlitha the kdg int int array 10 or pair equal to likke, braces thus integers like the, the. और वो दस इंटीजर्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली इस एरे के हर डिफरेंट एलिमेंट को असाइन हो जाती थी वैल्यूज़ यहाँ पे भी हम डेट माय डेट्स टेन लिख के इक्वल टू साइन लिख के ब्रेसेस के साथ हम दस इनिशलाइजर्स दे सकते हैं वो इनिशलाइजर्स क्या हो सकते हैं दे कैन बी कंस्ट्रक्टर्स यानी वी कोड एक्चुअली राइट डेट और फिर परसिस के अंदर मंथ डे और ईयर की वैल्यू दैट बिकम्स वन इनिशलाइजर क्योंकि कॉन्स्ट्रक्टर ने काम करके एक डेट ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है उसकी वैल्यू माई डेट्स के पहले एलिमेंट यानी माई डेट्स ऑफ जीरो को असाइन हो जाएगी यहाँ पर थोड़ा सा रुक के न एक बात मैं रिव्यू करता चलूँ देखें सी और सी प्लस के सी प्लस प्लस के अंदर जो एरेज हैं दे आर ज़ीरो बेस्ड वेन एवर वी डिक्लेयर एन एरे ऑफ टेन ऑब्जेक्ट्स उनके इंडेक्स जो हैं वो जीरो से शुरू होते हैं और टेन माइनस वन यानी नाइन पे ख़त्म होते हैं इफ़ यू डिक्लेयर एन एरे ऑफ फिफ्टी सिक्स ऑब्जेक्ट्स तो उसका इंडेक्स जो है वो ज़ीरो से शुरू होगा और फिफ्टी फाइव तक जाएगा यानी फिफ्टी सिक्स माइनस वन वाई आई एम मैंशनिंग दिस इज़ वन ऑफ यू सबमिटेड कोड फॉर मी टू रिव्यू और उसके अंदर स्ट्रिंग यानी कैरेक्टर एरे हैंडल की हुई थी और उन्होंने एक बड़ा सटल सा मिस्टेक किया हुआ था उन्होंने कोशिश ये की थी कि एक स्ट्रिंग एरे लेके उसको इन रिवर्स ऑर्डर प्रिंट किया जाए मैंने आपको लेक्चर के दौरान भी कहा था कि जी एक्सपेरिमेंट करें लिखने की कोशिश करें द कोड वॉज़ वेल रिटन द प्रोग्राम वॉज़ वेल थाट आउट क्वाइट सिंपल उसने एक इनपुट ली यूज़र से एक एरे को पॉपुलेट कर दिया लेट से पाँच इंटेजर्स को और पाँच कैरेक्टर्स को और फिर उसको रिवर्स प्रिंट करने के लिए उन्होंने एक लूप लिखी फ़र्क ये हुआ कि उन्होंने कहा जी इस एरे का साइज है लेट्स से एरे साइज तो उन्होंने इनपुट के लिए जो लूप लिखी वो तो स्टैंडर्ड लिखी फॉर आई इक्वल टू जीरो आई लेस देन एरे साइज आई प्लस प्लस और सी इन के साथ इंट या कैरेक्टर एरे ऑफ आई को पढ़ लो अब यहाँ पे अगर फॉर लूप के अंदर आई को देखें तो वह जीरो से चला एंड लेस देन एरे साइज तक गया जो भी अरे साइज की वैल्यू थी जब उसको रिवर्स करने की बारी आई ने कहा जी कि ओके अरे तो मेरे पास पूरी की पूरी है तो क्यों ना हम लास्ट एलिमेंट से प्रिंटिंग शुरू करें और शुरू के एलिमेंट तक प्रिंटिंग करते जाएं तो उन्होंने लूप लिखी फॉर आई इक्वल टू अरे साइज़ आई ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो आई माइनस माइनस अब इस लाइन को ज़रा सा गौर से देख लें शुरू उन्होंने किया विद आई इक्वल टू अरे साइज़ विच इज़ द साइज़ ऑफ द एरे कितने एलिमेंट्स हैं उसके अंदर ख़त्म इसको किया ज़ीरो पे आई ग्रेटर देन एकवल टू ज़ीरो तक चलना है इसने ज़ीरो पे ख़त्म किया और फिर डिक्रीमेंट किया आई को ग्रेटर देन एकवल टू ज़ीरो तो बिल्कुल ठीक है क्योंकि एरे का एलिमेंट नंबर जीरो इज़ द फर्स्ट एलिमेंट बट इनका स्टार्टिंग पॉइंट गलत था वो स्टार्टिंग पॉइंट था आई एक टू अरे साइज़ अरे साइज एज आई जस्ट मेन्शन अगर टेन है तो टेंथ एलिमेंट इंडेक्स एलिमेंट कोई नहीं है टेंथ एलिमेंट का इंडेक्स इज एक्चुअली नाइन सो इस लूप को शुरू होना चाहिए था फॉर आई इक्वल टू एरे साइज माइनस वन से शुरू होना चाहिए था एंड देन आई ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो पे ख़त्म होना चाहिए था नतीजा क्या हो रहा था कि जी वो याद होगा अगर अगर स्ट्रिंग होती है ये तो कैरेक्टर एरे थी अगर स्ट्रिंग होती तो वहाँ पे नल कैरेक्टर प्रिंट होने की कोशिश होती क्योंकि एरे साइज़ पे नल कैरेक्टर बैठा होता बट नन द लेस यू हैव टू बी केयरफुल वेन एवर हैंडलिंग एरेज दैट दे आर जीरो बेस्ड अगेन जस्ट कंटिन्यूइंग दैट एंड मेकिंग शोर दैट द पॉइंट कम्स होम कई दफ़ा अपनी कन्वीनियंस के लिए हम वन बेस्ड इंडेक्सिंग चाहते हैं तो अगर आप डेट का एग्ज़ाम्पल देखें किताब में भी और कुछ आपको हैंड आउट्स में भी शायद दिया हो तो डेट्स के लिए हमने इंटरनली मंथ्स भी रखे हुए हैं मंथ्स की एक एरे रखी हुई है हम चाह कह रहे हैं कि जी अगर किसी भी तारीख का महीने का नंबर हमें पता हो पाँचवा महीना तो इस एरे में से उस महीने का नाम हमें मिल जाए सो इफ वी हैव मंथ वैल्यू इज़ फाइव इन अ डेट ऑब्जेक्ट देन द मंथ नेम शुड बी मे प्रॉब्लम इज कि अगर मंथ की अरे हम ट्वेल्व नेम्स hmm. की रखें तो उसके इंडेक्सेज चलेंगे ज़ीरो टू इलेवन मंथ की वैल्यू जो डेट ऑब्जेक्ट में पड़ी होगी वो होगी फाइव तो अगर अरे में इंडेक्स फाइव दे के आप हासिल करेंगे महीने का नाम तो वो मे नहीं आएगा जून आ जाएगा बिकॉज दैट इज द दिक्सथ एलिमेंट सो बी केयरफुल बेन हैंडलिंग एलिमेंट्स लाइक दिस इसके लिए हमने एक बड़ी सिंपल ट्रिक की है एंड वेन मेमरी इज नॉट अ प्रॉब्लम एंड इन दिस केस इट इज़ नॉट यू कैन यूज इट कि हमने महीनों की नामों की जो एरे थी वो थर्टीन लेंथ की डिफाइन की और उसका पहला एलिमेंट यानी जिसका इंडेक्स जीरो है उसको रहने दिया एम रहने दिया और फिर जनवरी फबरी मार्च से शुरू हो गए प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे लिए आसानी क्या पैदा हुई कि कहीं पे भी मैं कहूं मंथ नेम ऑफ मंथ नंबर तो ऑटोमेटिकली सही महीना मुझे मिलेगा सो समटाइम्स यू वेस्ट अ लिटिल बिट ऑफ मेमोरी वी वेस्टेड द लोकेशन इन द मंथ नेम एरे बट यू गेट अ लॉट ऑफ प्रोग्रामिंग कन्वीनियंस आउट ऑफ इट नन प्लीज नेवर फॉरगेट दैट सी एंड सी प्लस प्लस एरेज आर जीरो बेस्ड नाउ गोइंग ऑन टू आर ऑब्जेक्ट्स एंड अरेज ऑफ ऑब्जेक्ट लेट एस सी वे वी व मैंने कहा कि अगर हम 10 डेट्स की एक एरे क्रिएट कर रहे हैं तो 10 दफ़ा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और उस एरे को अगर हम इनिशलाइज़ भी करना चाहें डेक्लोरेशन के वक्त तो हम नॉर्मल अपना सिंटैक्स इस्तेमाल करते हैं कि ब्रेसिस के अंदर दस इनिशलाइजर्स दे सकते हैं इनिशलाइजर्स के लिए हम कंस्ट्रक्टर्स भी दे सकते हैं और कंस्ट्रक्टर जो है वो कंस्ट्रक्टर बाय नेम कॉल हो जाएगा सो इट विल सी डेट एंड विद इन पैरथिस जो भी हमने मंथ डे ईयर देना है वो आप देते जाएंगे दस दफ़ा दस ऑब्जेक्ट्स इनिशलाइज होकर एरे में प्लेस हो जाएंगे अगर आपके पास ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर्स हैं तो यू कैन मिक्स एंड मैच यू कैन से डेट पहला ऑब्जेक्ट जो, जो है उसको इनिशलाइज़ कर रहे हैं डेट विद मंथ डे ईयर दूसरा एरे का एलिमेंट जो है उसको इनिशलाइज़ कर रहे हैं डेट जीरो वन जैन टू ज़ीरो जीरो टू एंड सो ऑन सो यू कैन मिक्स एंड मैच कंस्ट्रक्टर्स अगर आपके पास कोई ऐसी क्लास हो जिसके अंदर मे बी एक सिंगल एलिमेंट पड़ा हो फॉर एग्जाम्पल हमारी वो स्ट्रिंग क्लास थी तो स्ट्रिंग क्लास जो है वो डायरेक्टली भी इनिशलाइज हो सकती है बाय जस्ट पासिंग इट अ कैरेक्टर स्ट्रिंग सो यू कुड हैव सेड एक स्ट्रिंग एरे बना दो और उसमें कंस्ट्रक्टर की बजाय सीधा स्ट्रिंग आप लिख दें वो भी असाइन हो जाएगा एरे एलिमेंट को आप स्ट्रिंग का कंस्ट्रक्टर कॉल कर लें उसकी जितनी भी वैरायटी है यू कैन डू दैट सो देर इज़ अ मेरियड ऑफ वेज दे आर मेनी वेज दैट यू कैन इनिशलाइज एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो चीज़ याद रखने वाली है जब भी आप एक ऑब्जेक्ट्स की एरे क्रिएट करते हैं तो हर ऑब्जेक्ट के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल होगा प्लीज़ रिमेंबर दैट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू कैन डू इट वेरी सिम्पली यू कैन प्रूव इट टू योर सेल्फ बाई राइटिंग अ डमी कंस्ट्रक्टर ऑफ एनी डमी क्लास और उसके अंदर एक लाइन लिख दें कि जी कंस्ट्रक्टर बींग कॉल्ड सी आउट के साथ डिस्प्ले कर दें उसके बाद मेन प्रोग्राम में सिंपली डिक्लेयर एन एरिया ऑफ दोज ऑब्जेक्ट्स एंड कंप्लीट द मेन प्रोग्राम इसको जब आप चलाएंगे अगर आपने दस एरिए दस ऑब्जेक्ट्स की एरे क्रिएट की है तो आपको कंस्ट्रक्टर बीन कॉल्ड दस दफ़ा नजर आएगा सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू रियलाइज दैट कंस्ट्रक्टर्स आर कॉल्ड ये पॉइंट एक्चुअली सेल्फ ऑब्बियस है क्योंकि कंस्ट्रक्टर का उसकी वजह क्या है एग्जिस्ट करने की द ऑब्जेक्ट बिहाइंड अ कंस्ट्रक्टर

तो हर एरे एलिमेंट के लिए अलहदा अलीहदा बफर एलोकेट करना लाजमी है उसके लिए कंस्ट्रक्टर कॉल होगा सो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दैट क्वेश्चन ये है कि हम डायनामिकली ऑब्जेक्ट्स की एरेज जो हैं वो डिक्लेयर कर सकते हैं आंसर इज एज यूजल यस वी कैन डू दैट वी हैव द न्यू ऑपरेटर टू डू दैट सो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास स्ट्रिंग की क्लास हम ले लें हम कहते हैं स्ट्रिंग स्टार टेक्स्ट This line simply declares that text is a pointer to an object of type string. अगर pointer है, तो इसके साथ हम array भी declare कर सकते हैं। So hum, we can go down and say text equals new string और square brackets के अंदर जितने भी objects चाहिए, let's say five. So हमने कह दिया text equals new string five. What this does is free store से पांच स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स की जगह एलोकेट करके उनके कंस्ट्रक्टर्स कॉल करके इस एरे ऑफ फाइव स्ट्रिंग्स का जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो टेक्स्ट में रख दिया जाता है नाउ, नोटिस यहाँ पे एक थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है वेनवर यू यूज़ न्यू टू एलोकेट स्टोरेज फॉर ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे हम इनको इनिशलाइज नहीं कर सकते इनिशलाइजेशन सिर्फ डेक्लेशन लाइन की तरह हो सकती है अगर हम कहते स्ट्रिंग्स माई स्ट्रिंग्स फाइव तो फिर हम स्ट्रिंग माई स्ट्रिंग्स फाइव करके आगे इनिशलाइजर्स दे सकते थे जब हमने न्यू के साथ जगह उनके लिए एलोकेट की तो हम इनिशलाइजर्स नहीं दे सकते अगर इनिशलाइजर्स नहीं दे सकते तो कौन सा कॉन्स्ट्रक्टर कॉल होगा ऑब्जेक्ट्स तो क्रिएट हो रहे हैं लिहाजा अगर ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं उनके कॉन्स्ट्रक्टर्स कॉल होंगे आंसर इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वह कॉन्स्ट्रक्टर जिसको कोई हम आर्गूमेंट्स पास नहीं करते वो क्लास के लिए मौजूद है अगर आपने नहीं लिखा तो सी प्लस प्लस प्रोवाइड कर देगी बट नॉर्मली वो भी हमने लिखा होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो न्यू के साथ जब भी आप एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है इन एरेज़ को डिलीट करने के लिए डिलीट ऑपरेटर काम के, काम आता है और वो उसी तरीके से काम करता है जो कि नेटिव डेटा टाइप्स के साथ हम इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर कुछ वर्ड्स ऑफ कॉशन लाजमी हैं जब हम एक एरे को एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स को न्यू के साथ एलोकेट करते हैं तो जब उसको डिलीट करने जाते हैं इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेल द डिलीट ऑपरेटर कि जी एक एरे डिलीट हो रही है सो so, इसी एग्जांपल को ले लें हमने कहा स्ट्रिंग स्टार टेक्स्ट सो टेक्स्ट इज़ अ पॉइंटर टू स्ट्रिंग और फिर टेक्स्ट को कहा टेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग फाइव पांच स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए उनका स्टार्टिंग एड्रेस और वो कंटिग्यूअस मेमरी में होंगे का स्टार्टिंग एड्रेस टेक्स्ट को एलोकेट हो गया हमने इस्तेमाल किया ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स एरे ऑफ स्ट्रिंग्स इस्तेमाल किया अपने प्रोग्राम में और ख़त्म करते वक्त हमने कहा डिलीट टेक्स्ट अगर हम डिलीट टेक्स्ट लिख देंगे क्या होगा वॉट विल हैपन इज कि जी डिलीट को नहीं पता चलेगा कि ये एरे डिलीट हो रही है और रिमेंबर कि वेन एवर एन ऑब्जेक्ट गोज आउट ऑफ एग्जिस्टेंस तो उसका डिस्ट्रक्टर कॉल होता है इन दिस केस क्योंकि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स हैं हम चाहेंगे कि इसका डिस्ट्रक्टर कॉल हो क्योंकि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट ने बजाते ख़ुद अंदर कुछ मेमोरी एलोकेट कर रखी है सो so, वो मेमोरी फ्री करके फ्री स्टोर पे डालना लाजमी है लेकिन हमने लिख दिया डिलीट टेक्स्ट इससे क्या होगा जो टेक्स्ट के अंदर एड्रेस पड़ा हुआ. So, हुआ है दैट हैपन्स टू बी द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इन द ए सो एक्चुअली टेक्स्ट ऑफ ज़ीरो का एड्रेस पड़ा हुआ है टेक्स्ट के अंदर सो डिलीट टेक्स्ट विल सिम्पली डिलीट टेक्स्ट ऑफ जीरो द ऑब्जेक्ट टेक्स्ट स्क्वेयर ब्रैकेट्स ज़ीरो एक ऑब्जेक्ट डिलीट होगा एक ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा और एक ऑब्जेक्ट की मेमोरी फ्री होकर फ्री स्पेस पे चली जाएगी टेक्स्ट वन टेक्स्ट टू टेक्स्ट थ्री टेक्स्ट फोर के ऑब्जेक्ट्स वहीं के वहीं पड़े रह जाएंगे यानी उनकी मेमोरी एलोकेशन वैसे की वैसे रहेगी और मेमोरी ज़ाया हो जाएगी ज़ाया इन द सेंस कि आर प्रोग्राम और अदर प्रोग्राम्स रनिंग ऑन दैट कंप्यूटर विल नॉट बी एबल टू यूज़ दैट मेमरी दर एग्जाम्पल ऑफ अ मेमरी लीक सो इफ वी वॉन्ट टू डिलीट इन अदर वर्ड्स डिस्ट्रॉय एन अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट वेटेड यूजिंग द न्यू ऑपरेटर वी मस्ट यूज द अरे इक्विबलेंट ऑफ द डिलीट ऑपरेटर और वो अरे इक्वलेंट है डिलीट के बाद आप एम टी स्क्र ब्रैकेट्स लिखें सो इसे डिलीट स्क्वेयर ब्रैकेट्स टेक्स्ट अब क्या होता है जैसे ही हम ये लाइन लिखते हैं तो डिलीट ऑपरेटर को पता चल जाता है कि ये एक एरे डिलीट की जा रही है नाउ द कंपाइलर विल गो बैक एंड एट कि ये जब एरे एलोकेट की गई थी तो उस वक्त कितनी जगह ली गई थी सो इट विल डिस्कवर कि जी हाँ पांच स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स हमने यहाँ पे एलोकेट किए थे सो so अब वो पांच स्ट्रिंग्स ऑब्जेक्ट्स को डी एलोकेट करने जाएगा पांच डिस्ट्रक्टर्स कॉल होंगे पांच दफा मेमोरी फ्री होगी पूरी एरे एरे जो है वो प्रॉपरली डिस्ट्रॉय हो सकेगी ये चीज एप्लीकेबल है वेन एवर यू डूइंग मेमरी एलोकेशन इफ यू डू समथिंग लाइक न्यू इंट टेन वी एलोकेट स्पेस फॉर एन एरिया ऑफ टेन इंटेजर्स नेटिव डेटा टाइप है सिंपल सी जगह लेता है और फिर उसको हम असाइन किया था आईपीटीआर को आई पॉइंटर इज इक्वल टू न्यू इंट टेन और आगे जाके हम कह देते हैं डिलीट आई पी टी आर दैट विल फ्री all of the space allocated by the i pointer but it's a bad usage okay. usage kharaab hai. you must always use the delete with the array notation which is delete square brackets iptr or delete square bracket text or whatever you are doing whenever you have used new to allocate an array of objects for example ham yahi allocation chahein ki new ko istemal or date class ke objects banay तो देखें वहाँ प्रॉब्लम थोड़ा सा कम नोयत का है बिकॉज डेट के अंदर कोई मेमरी मैनिपुलेशन नहीं हो रही स्ट्रिंग के अंदर हो रही थी सो वी एक्चुअली क्रिएट एन एरे ऑफ डेट ऑब्जेक्ट्स एंड देन इवेंचुअली यूजिंग न्यू एंड इवेंचुअली यूज द डिलीट ऑपरेटर विदाउट डिफाइनिंग एन एरे बट इट्स अ बैड आइडिया बैड आइडिया क्यों है देखें ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हम कह रहे हैं कि जी इम्प्लीमेंटेशन और इंटरफेस को हमने अलग-अलग कर दिया है हम एक क्लास लिखते हैं उस क्लास को हम पब्लिश कर देते हैं फॉर यूज़ बाय अदर्स हमने उसका एक इंटरफेस डिफ़ाइन कर दिया अगर इंटरफेस डिफाइन कर दिया तो यूज़र्स हैव स्टार्टेड यूजिंग दैट क्लास दो महीने या दो साल के बाद वी फाइंड आउट वी हैव अ ब्रांड न्यू आइडिया मैं इस क्लास को बहुत ज़्यादा एफिशेंट बना सकता हूँ बट इंटरफेस को मैं चेंज नहीं करूँगा मैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन को हाथ लगाऊंगा आई विल चेंज द इम्प्लीमेंटेशन मेक द क्लास मे बी टेन थाउजेंड टाइम्स फास्टर देन माय प्रीवियस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द क्लास एंड द यूजर्स डोंट हैव टू चेंज देयर प्रोग्राम्स दे सिंपली रिकम्पाइल एंड दे गो दे गॉट अ न्यू वर्जन बट द इंटरफेस रिमेन द सेम वही बात याद रहे जो मैंने गाड़ियों का एग्ज़ाम्पल दिया था कि उन्नीस की गाड़ी या आजकल की गाड़ी इंटरफेस तकरीबन बराबर है तो हमें आज की भी गाड़ी चलानी आती है पुरानी मिल जाए वो भी चला लेंगे लेकिन इम्प्लीमेंटेशन टोटली बदल चुकी है अब देखें मैंने एग्ज़ाम्पल दिया कि जी डेट क्लास के अंदर हम मेमोरी एलोकेशन नहीं कर रहे थे लिहाजा हम डिलीट के साथ विदाउट एरे नोटेशन हम पॉइंटर डिलीट कर देते तो इट वॉज सेफ़ कल को हमने उसकी इम्प्लीमेंटेशन बदल दी और डेट क्लास के अंदर कुछ मेमरी मैनिपुलेशन करनी शुरू कर दी उधर प्रोग्रामर्स जो इसको इस्तेमाल करते रहे हैं उन्होंने डिलीट बड़े मजे से इस्तेमाल किया हुआ था विदाउट द एरे डिक्लेयरिंग इट कि ये डिलीट के साथ एरे जो है वो डिलीट हो रही है वॉट हैपन्स वेल द प्रोग्राम ड ब्रेक डाउन बट अ कॉन्टिन्यूस मेमरी लॉस इज़ हैपनिंग एवरी टाइम यू डिलीट एक ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा बाकी नहीं होंगे उनकी मेमरी uh, मतलब वापस फ्री स्टोर पर नहीं जाएगी मेमरी लीक्स विल हैपन सो इट इज़ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस दैट वेनएवर यू यूज़ द न्यू ऑपरेटर टू एलोकेट स्पेस फॉर एन एरे नेटिव डेटा टाइप हो या आपके क्लास के ऑब्जेक्ट्स हों तो डिलीट ऑपरेटर के साथ भी आप एरे नोटेशन इस्तेमाल करें डिलीट स्क्वेयर ब्रैकेट्स एम टी और फिर पॉइंटर का नाम जो कि एरे को पॉइंट कर रहा था उससे हमेशा मेमरी डी एलोकेशन प्रॉपरली होगी डिस्ट्रक्टर हो ना हो डेट्स अ डिफरेंट इशू बट जस्ट अ मैटर ऑफ प्रोग्रामिंग स्टाइल यू शुड ऑलवेज यूज़ दिस नोटेशन अब जरा आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये न्यू और डिलीट जो हैं मैं इनको ऑपरेटर्स कह रहा हूँ इनको हम ओवरलोड कर सकते हैं कि नहीं अगर कर सकते हैं तो उसकी क्या वजह है कि हम ओवरलोड करना चाहेंगे वेल द फर्स्ट आंसर इज़ यस वी कैन ओवरलोड न्यू एंड डिलीट इनकी ओवरलोडिंग भी डिपेंड करता है कि दे कैन बी ओवरलोडेड एज मम्बर फंक्शन ऑफ अ क्लास और दे कोड भी ओवरलोडेड एज नॉन मेम्बर फंक्शन विच मीन्स ग्लोबल न्यू और डिलीट जो है वो ओवरलोड कर दें क्यों हम करना चाहेंगे वह well, कुछ वजह हैं वो थोड़ी सी एडवांस प्रोग्रामिंग की तरफ जाती हैं लेकिन समटाइम्स वी वॉन्ट अ प्रोग्राम टू रन इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम हम कहते हैं कि जब भी हम मेमरी एलोकेट करें नंबर वन वो एलोकेशन फेल नहीं होनी चाहिए और वो इतने माइक्रो के अंदर हमारे पास वापस रिज़ल्ट आ जाना चाहिए कई दफ़ा जो बिल्ट इन न्यू ऑपरेटर है वो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता एग्ज़ाम्पल देखिए मैंने कहा उसको प्रोग्राम के अंदर कि मुझे हज़ार इंटीजर्स के लिए जगह दे दो नाउ द न्यू ऑपरेटर दैट्स बिल्ट इन मे फेल फेल होने की मैंने पहले भी जिक्र किया था दो वजह हो सकती हैं एक ये कि जी फ्री स्टोर के ऊपर हज़ार इंटीजर्स की जगह ही कोई नहीं वो नहीं है तो ओवरलोडेड हो ना हो कुछ नहीं हो सकता आगे आप एलोकेट नहीं कर सकेंगे स्पेस को लेकिन व्हाट हैपन्स अगर फ्री स्टोर जो है वो फ्रेगमेंट हो चुका है यानी आपने कुछ मेमोरी वहाँ से ली फिर कुछ और मांगी फिर कुछ और मांगी तो जो फ्री स्टोर है उसके टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं अब जो अवेलेबल मेमरी है वो तो हज़ार इंटीजर से कहीं ज़्यादा पड़ी हुई है लेकिन कहीं पर भी एक ब्लॉक हज़ार इंटीजर्स के लिए नहीं है तो जो बिल्ट इन न्यू ऑपरेटर है वो एक ब्लॉक हासिल नहीं कर सकेगा यू कुड ओवरलोड योर ओन न्यू ऑपरेटर एंड देन गो एंड से ऑल राइट इस मेमोरी को इस तरीके से मैंने प्लेट करो ताकि वो जो खाली जगह थी वो एक जगह पे हो जाए और फिर जब हो जाए तो मुझे वो मेमोरी का हैंडल वापस दे दो वी कैन डू दैट इट इज़ एडवांस प्रोग्रामिंग बट द पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट इसके साथ डाउनसाइड भी हैं सेम अप्लाइज टू डिलीट दैट वी कुड राइट आर ओन डिलीट विच ओवर लाइट ओवरलोड द ग्लोबल डिलीट डाउन साइड्स क्या हैं डाउन साइड यह है कि जी अगर आप न्यू को ग्लोबल लेवल के ऊपर ओवरलोड कर देते हैं यानी यू राइट योर ओन डेफिनेशन ऑफ न्यू या डिलीट तो जो नेटिव ऑपरेटर्स हैं जो कि लैंग्वेज सी प्लस प्लस ने आपको प्रोवाइड किए हैं न्यू और डिलीट वो हमेशा के लिए उस प्रोग्राम के लिए गायब हो जाएंगे यू कैन नेवर कॉल दैम अगेन because every time you try to use new to aapka defined new call ho jayega. every time you use a delete aap delete delete tamal ho jayega aur chalein, ke new ke andar bhi global new call nahi kar gaya, once and for all once you define your own global level new operator you have hidden and made inaccessible the, uh, the new operator provided by the language so you have to be careful with that nonetheless अगर न्यू ऑपरेटर क्लास के अंदर हम डिफाइन करें ये क्लास का मेंबर ऑपरेटर है देन थिंग्स आर ऑल राइट बिकॉज जब उस क्लास का आप साथ आप न्यू कॉल करेंगे लेट्स कि डेट हम न्यू ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं तो फिर डेट क्लास का न्यू ऑपरेटर कॉल हो जाएगा ऑन द अदर हैंड हम निकल के कोई इंटीजर्स की एरे क्रिएट कर रहे हैं यूजिंग न्यू तो जो ग्लोबल न्यू था जो लैंग्वेज के साथ आया था वो वाला कॉल होता रहेगा सो नाओ बाई मेकिंग न्यू अ मेम्बर फंक्शन ऑफ अ क्लास वी हैव अ सेफ्टी यदि ग्लोबल स्टिल अवेलेबल और क्लास के लिए जो भी हमने स्पेशल काम करना है वो न्यू के अंदर कर लें थोड़े से रूल्स की बात हो जाए जब भी हम न्यू को ओवरलोड करते हैं तो न्यू की रिटर्न टाइप जो है दैट मस भी वॉइड पॉइंटर सो इट इज़ वॉइड स्टार और फिर उसके एक आर्गूमेंट भी दिया जाता है विच इज़ साइज टी साइज साइज डी याद रहे इज़ अ डेटा टाइप इंटरनली डिफाइंड कि जी द लार्जेस्ट होल नंबर जितना भी हमें चाहिए होगा वो इस डेटा टाइप के अंदर पूरा आ सकता है सो so, न्यू को एक होल नंबर आर्गूमेंट दिया जाता है यूजली एन इंट एंड इट ऑलवेज रिटर्न अ वॉइड स्टार यानी वॉइड पॉइंटर दिस रूल इज़ ट्रू वेन एवर यू वॉन्ट टू ओवरलोड न्यू ये आपका सिंटेक्स कायम रहेगा न्यू के अंदर आप जो भी करना चाहें हम सी एलॉक या एम एलॉक कॉल कर लें जो कि सी के बिल्ट इन मेमरी एलोकेशन फंक्शंस थे उनके अंदर टेस्टिंग करना चाहें कर लें मेमरी के अंदर कोई चीज़ें लिखना चाहें सी एलॉक कॉल कर लें तो मेमरी विल बी नेशलाइज टू ऑल जीरोज़ वी कैन डू दैट एंड वी रिटर्न अ पॉइंटर टू द एलोकेटेड मेमरी विच इज़ ऑलवेज ऑफ वॉइड पॉइंटर टाइप डिलीट जो है ऑपरेटर जब भी हम ओवरलोड करेंगे इट रिटर्न नथिंग सो इट्स वॉइड बट इट ऑलवेज टेक्स एज एन आर्गूमेंट अवॉइड पॉइंट वही चीज़ जो कि न्यू के साथ हमें मिली थी वो अब डिलीट को दी जाती है सो दीज आर द रूल्स वेन एवर यू राइटिंग न्यू एंड डिलीट एंड द सेम रूल्स अपलाई वेदर यू राइटिंग दैम इनसाइड अ क्लास एज मम्बर फंक्शंस और आउटसाइड अ क्लास विच मीन्स यूर ओवर लोडिंग और ओवर राइडिंग द ग्लोबल न्यू एंड डिलीट सो बी अवेयर ऑफ देट जब भी हम ये न्यू और डिलीट जो है क्लासेस के साथ इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वी हैव टू बी केयरफुल टू अंडरस्टैंड के व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट इज़ हैपनिंग जब भी हम अपना न्यू या डिलीट लिखते हैं किसी क्लास के लिए यानी वी राइट इट एज अ मेम्बर ऑपरेटर व्हाट हैपेंस हैपन्ज़ के पहले मेमरी का एक ब्लॉक एलोकेट होता है और मेमरी ब्लॉक एलोकेट होने के बाद कंस्ट्रक्टर कॉल होता है इसी तरीके से जब भी हम अपना डिलीट लिखते हैं तो पहले डिस्ट्रक्टर कॉल होता है यानी रिवर्स सीक्वेंस चलता है पहले एक ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है और फिर उसकी मेमोरी जो है वो फ्री स्टोर पे वापस रख दी जाती है वॉट डज दिस मीन इट मीन्स कि हमने स्टैटिक का की जो है इनके अंदर इस्तेमाल नहीं किया हमने तो सिंपली लिख दिया वॉइड स्टार डेट कोलन कोलन ऑपरेटर न्यू और आगे साइज टी साइज ये उसकी डिकलेशन थी न्यू ऑपरेटर की एंड वॉट दैट रेड एज कि जी ये डेट क्लास का मेंबर ऑपरेटर है इसको एक साइज़ दिया जा रहा है कि जी इतनी मेमोरी हमें एलोकेट करो और ये रिटर्न करेगा वॉइड पॉइंटर लेकिन ये काम कर रहा है लाइक अ स्टैटिक फंक्शन व्हाट इज अ स्टैटिक फंक्शन जब भी हम कोई मेंबर फंक्शंस या मेंबर ऑपरेटर स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं देन इट कैन ओनली एक्सेस एंड मैनिपुलेट स्टैटिक मेमर्स ऑफ द क्लास स्टैटिक डेटा मेम्बर्स को वो मैनिपुलेट कर सकता है एक्चुअल डेटा मेंबर्स को वो हाथ नहीं लगा सकता इफ यू थिंक अबाउट इट जब हमारा न्यू कॉल हुआ क्लास का मेंबर ऑपरेटर और वो मेमोरी एलोकेट करने गया तो उस वक्त तो अभी ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता था अगर कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता तो उसके किसी भी डेटा मेंबर को हाथ नहीं लगाया जा सकता लिहाजा इस ऑपरेटर का बिहेवियर इज़ एग्जैक्टली लाइक दैट ऑफ अ स्टैटिक फंक्शन जब वो मेमोरी वापस आ गई फिर कंस्ट्रक्टर चला और कंस्ट्रक्टर चलने के बाद ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए वो उस मेमोरी में ही क्रिएट हुए जो कि न्यू ने वापस की थी और फिर असाइनमेंट हम जो भी करें इसी तरीके से अगर हम डिलीट को देखें तो डिलीट सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है अगर ऑब्जेक्ट्स पहले डिस्ट्रॉय होते हैं और फिर मेमरी डी एलोकेट होती है दैट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट्स नो लॉन्गर एग्जिस्ट वेन वी आर ट्राइंग टू डी एलोकेट द मेमरी सो द डिलीट ऑपरेटर ऑल्सो लुक्स लाइक अस्टैटिक मबर ऑपरेटर और अस्टैटिक मैंबर फंक्शन और सिंटैक्स इनका याद रहे कि जी न्यू जो है वो void पॉइंटर रिटर्न करता है और डिलीट जो है वो वॉइड रिटर्न करता है इट रिटर्न्स नथिंग बट इट टेक्स अ void पॉइंटर एज एन आर्गुमेंट दिस बिहेवियर ऑफ ओवरलोडेड न्यू एंड डिलीट इन फैक्ट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्राम द नेटिव बिहेवियर जो कि न्यू और डिलीट हमें देते थे देखें जब हमने न्यू को इंट्रोड्यूस किया था तो आई मैंशन दैट इट वॉज मोर पावरफुल एंड मोर एलिगेंट देन कॉलिंग द स्टैंडर्ड सी टाइप मेमरी एलोकेशन फंक्शन मैलॉक कैलॉक या रीअलॉक क्योंकि वो वॉइड पॉइंटर रिटर्न करते थे और हमें कास्ट करना पड़ता था टू अ पॉइंटर ऑफ द करेक्ट टाइप यहाँ पे अब अगर आप ओवरलोड करते हैं एज अ नॉन मेम्बर और एज अ मेम्बर फंक्शन न्यू जो है अब वर्ड पॉइंटर ही रिटर्न करेगा जब आप क्लास के अंदर करते हैं तो इट इज़ ऑटोमेटिकली टेकन केयर ऑफ वो वॉइड पॉइंटर रिटर्न करे ना करे उसके अंदर ही कास्टिंग हो जाती है और आपको ऑब्जेक्ट्स मिल जाते हैं लेकिन अगर आप क्लास के बाहर यानी ग्लोबल न्यू लिखेंगे तो बी केयरफुल इट नाउ बिहेव लाइक द ओल्डर सी फंक्शंस दे रिटर्न अ वॉइड पॉइंटर एंड देन यू मस्ट कास्ट इट टू द अप्रोप्रिएट टाइप लेट लेटस गो ऑन एंड थिंक अबाउट वॉट अबाउट एरेज कैन वी एलोकेट न्यू के साथ एरेज़

और डिलीट भी जो ओवरलोड कर रहे हैं उसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं नाउ व्हाट दैट मींस इज दैट इफ़ यू आर ओवरलोडिंग न्यू एंड डिलीट फॉर योर ओन क्लास यू विल प्रोबली राइट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यू एक जो है जो कि सिंपल मेमरी एलोकेट करके आपको एक ऑब्जेक्ट दे देगा और दूसरा न्यू जो है एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए मेमरी क्रिएट करेगा और एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा और आपको दे देगा नाउ जब हम ग्लोबल न्यू इस्तेमाल कर रहे थे वी फाउंड द सिटेक्स वॉज वेरी सिंपल एंड वी जस्ट यूज के डिलीट के साथ याद रहे कि जी एरे ऑपरेटर जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए यहाँ पे इट इज़ नाउ आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यू एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिलीट ताकि ओवरलोडिंग प्रॉपरली कम्प्लीट हो सके चलें आइए ज़रा न्यू और डिलीट को छोड़ते हैं और थोड़ा सा एक और नया ऑपरेटर ओवरलोड करके देखते हैं ये ओवरलोडेड ऑपरेटर बज़ात खुद एरे ऑपरेटर है देखें एक बड़ा स्टैंडर्ड सा प्रॉब्लम आता है प्रॉब्लम यह आता है कि हमने एक एरे डिक्लेयर की लेट से दस इंटिजर्स की नीचे जाके जब हम एक लूप में वो इंटिजर्स या गेट करने लगे या उनको डिस्प्ले करने लगे या कुछ कंप्यूटेशन करने लगे तो लूप जो है वो शायद ज़ीरो से लेकर सौ तक चल जाए आपके कोड पे डिपेंड करता है वहाँ पे क्या लिखा हुआ है एंड यू माइट एक्चुअली रन ऑफ द एंड ऑफ द एरे अरे दस की थी और आप इंडेक्स करते जा रहे हैं ग्यारह बारह तेरह चौदह एंड सो ऑन दैट्स एन एरर दैट द कंपाइलर मे नॉट कैच वाई नॉट थिंक अबाउट इट यानी ऊपर मैंने कहा इंट आई अरे टेन नीचे अगर मैं लिख देता हूँ फॉर आई इक्वल टू ज़ीरो आई लेस देन हंड्रेड इंक्रीमेंट आई तो आजकल के जो नए कंपाइलर्स हैं बाय एंड लार्ज इस एरर को पकड़ लेंगे कि जनाब आगे अगर मैंने लिखा हुआ है आई एरे ऑफ आई तो सम इंटेलिजेंट कंपाइलर्स मे कैच दिस एरर हाउ बाय लुकिंग एट द साइज ऑफ द एरे दैट वाज डिक्लेयर एंड लुकिंग एट द लूप काउंटर एंड सेइंग हे यू रनिंग ऑफ द एंड ऑफ द एरे बट द प्रॉब्लम इज कोई लाजमी तो नहीं है कि हम जो फॉर लूप लिख रहे हैं उसके अंदर हंड्रेड ही लिखा हो वहाँ पर कोई वेरिएबल भी तो आ सकता है फॉर आई इक्वल टू जीरो आई लेस टू अपर लिमिट और अपर लिमिट की क्या वैल्यू है प्रोग्राम के अंदर कहीं डिफाइन हुई हो बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट एंड इट्स अ कॉमन प्रोग्रामिंग एरर क्या ही अच्छा हो कि हम जहाँ पे लिख रहे हों आई एरे ऑफ आई जैसे ही हम लिखें तो कोई जादू ऐसा चल जाए कि जनाब आई एरे ऑफ आई अगर तो वैलिड इंडेक्स है उस एरे के लिए तो कोई वैल्यू रिटर्न हो वरना कोई एरर कॉल हो जाए या हमें रिपोर्ट कर दिया जाए उस काम के लिए जो एरे ऑपरेटर है स्क्वायर ब्रैकेट्स उनको भी ओवरलोड किया जा सकता है अब थोड़ा सा इसकी ओवरलोडिंग के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड वही बात की जी पहले ऑपरेटर को खोल के देखा जाए कि जी क्या चीज़ रिटर्न होती है इसने क्या करना है जब भी हम कहते हैं वही एग्जाम्पल ले लेते हैं इंटेजर्स हैं आई एरे है और उसके दस एलिमेंट्स हैं वेन एवर वी से आई एरे ऑफ फाइव वट आर वी टॉकिंग अबाउट वी टॉकिंग ऑफ द सिक्स्थ एलिमेंट ऑफ द एरे यानी द छवा नंबर जो है छेवा इंटीज़र जो है इस एरे में से उसकी वैल्यू की बात हो रही है सो so, अगर हम एरे ऑपरेटर लिखना चाहते हैं कि जब हम लिखें आई एरे स्क्वेयर ब्रैकेट फाइव स्क्र ब्रैकेट क्लोज्ड, तो बजाय बिल्टेन एरे ऑपरेटर कॉल होने के हमारे वाला जो है ओवरलोडेड एरे ऑपरेटर वो कॉल हो तो वो ऑपरेटर रिटर्न क्या करेगा In this case, it will have to return an integer, and then, in line with the efficiency of things that we are doing, we would normally return a reference to an integer. So, whenever we want to overload that, we would say something like int and operator square brackets, or then int index. Index, usko pass hogga jo i hum likh rahe hai square brackets ke the main code ke andar. That is the सिंटैक्स ऑफ द डेक्लोरेशन लाइन ऑफ दिस एरे ऑपरेटर इसके अंदर जाके हम क्या करें सो देखें हमने शुरू इस वास्ते किया कि जी ताकि हम इ लीगल इंडेक्स ना दे बैठें एरे को सो वॉट यू वुड वॉन्ट टू डू इज यू मे वॉन्ट टू हैव अ नॉलेज ऑफ द अरे लेंथ इन द केस ऑफ ऑब्जेक्ट वी वुड नॉर्मली हैव केप्ट लेंथ इन अ डेटा मेम्बर इन द केस ऑफ एन एरे विच इज डिफाइंड हमने याद होगा आपको एक आपको आइडिया दिया था और एक स्टाइलिस्टिक इशू दिया था कि जब भी एरेज डिफाइन कर रहे हों तो ऊपर एक शार्प डिफाइन के साथ एक कॉन्स्टेंट दिखा दें जिसको फिर इस्तेमाल करें एरे की डेक्लेशन के अंदर सो so, अगर हम ऊपर कह देते शार्प डिफाइन मैक्स नम टेन और फिर कहते इंट आई एरे मैक्स नम और फिर स्टाइल के तौर पे मैक्स मैक्सनम हम फुल कैपिटल्स में लिखते हैं क्योंकि वो शार्प डिफाइन के साथ मैक्स नम इज़ अ कॉन्सटेंट तो एरे की डिक्लेरेशन में वो इस्तेमाल हो सकता है अब जब हम आएंगे एरे ऑपरेटर के अंदर वी हैव अ नंबर और अ वैल्यू टू कंपेयर इट अगेंस्ट सो जब इंडेक्स आपने दिया तो आप सीधा सीधा इफ स्टेटमेंट के साथ चेक कर सकते हैं कि जो इंडेक्स आया है वो मैक्स नम माइनस वन याद रहे जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग हो रही है उससे बड़ा तो नहीं अगर बड़ा है यू कुड सिंपली डिस्प्ले एन एरर मैसेज सेइंग इनवैलिड इंडेक्स कॉल्ड अदरवाइज यू वुड रिटर्न अ रेफरेंस टू द वैल्यू एट द करेक्ट इंडेक्स लोकेशन सो दिस इज़ अ नाइस वे ऑफ ओवरलोडिंग दरे ऑपरेटर यही चीज़ ऑब्जेक्ट्स की अरेज के अंदर भी काम आएगी एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वेन वी वर्किंग विद मोर कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर जो कि आप आइंदा कोर्सेज के अंदर पढ़ेंगे कि जब आप एक डेटा स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसकी अरे बना लेते हैं तो कई दफ़ा आपको चाहिए होता है कि जी एरे में सफ़र किया जाए वी वॉन्ट टू ट्रेवर्स एन एरे फ्राम बिगिनिंग टू एंड और फ्राम एंड टू बिगिनिंग और डू सम थिंग्स विद इट वॉट वी नेवर वॉन्ट टू डू इज़ कि जी एरे में नेक्स्ट 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 करते जाएँ और नेक्स्ट करके एरे के एंड से बाहर गिर जाएँ यू डू नॉट वॉन्ट टू डू दैट लेकिन नेक्स्ट जो मैंने लफ्स इस्तेमाल किया है इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन इट्स लाइक सेंग कि जी इस वक्त जहाँ पे भी मैं हूँ इससे अगला नंबर मुझे दे दो या इससे अगला ऑब्जेक्ट मुझे दे दो सो नेक्स्ट विल बी यूज प्रीवियस विल बी यूज वेन एवर यू वी यूजिंग नेक्स्ट वी सेंग करंट इंडेक्स प्लस वन की वैल्यू दे दो एंड इफ़ वी नॉर्मली यूज जो बिल्ट इन एरे ऑपरेटर है तो हमें यह नहीं पता चलता कि करंट इंडेक्स प्लस वन जो है वो वैलिड लोकेशन है कि नहीं एरे के अंदर उसके लिए अगर हम ये ओवरलोड कर लें एरे ऑपरेटर को तो वी कैन डू द एरर चेकिंग सेम थिंगपन्स टू प्रीवियस कि जी जहाँ पर भी हम हैं इससे प्रीवियस ऑब्जेक्ट हमें मिल जाए तो हम इंडेक्स माइनस वन को ढूंढ रहे होते हैं वॉट हैपन्स इफ इंडेक्स ज़ीरो एट दैट टाइम वेल इंडेक्स माइनस वन वु हैव गॉन ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द एरे विच इज़ एनदर एरर सो अगेन वी कैन ट्रैप दैट इन साइड आर ओवरलोडेड एरे ऑपरेटर आइए इस इंट एरे को हम एक क्लास बना के उसके साथ देखते हैं कि जी इसकी एरे मैनिपुलेशन कैसे की जाती है सपोज वी क्रिएट अ क्लास कॉल्ड इंट एरे और हम कहते हैं कि जी दिस इज़ अ क्लास जिसके ऑब्जेक्ट्स विल होल्ड एरेज ऑफ इंटीजर्स इसके डेटा मेंबर्स जो हैं बड़े सिंपल हैं एक है लेंथ इट्स एन इंटीजर और वो बताएगा कि जी इस इंटीजर एरे के अंदर कितने नंबर्स हमने स्टोर किए हुए हैं और दूसरा इज सिंपली अ पॉइंटर दैट पॉइंट्स टू द बिगिनिंग ऑफ द एरे दैट वी हैव एलोकेटेड सो वी कैन से आई पी टी आर So int star iptr is the other data member. डेटा मेम्बर मज़े की चीज़ यह है कि क्योंकि ये एक एरे एलोकेट होगी इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम इसको इंडेक्स भी करना चाहेंगे जैसे आम एरे को किया जा रहा है हालांकि अंदर तो एक पॉइंटर पड़ा हुआ है और कंस्ट्रक्टर के अंदर हम जगह एलोकेट करेंगे तो यहाँ से अगर हम जंप करें और हम अपने मेन प्रोग्राम में आएँ तो उसकी पहली लाइन अगर देखें तो हम कहेंगे इंट एरे आई प्रेंथिस के अंदर टेन विच सेज़ ऑल वी वॉन्ट इज एन इंटेजर एरे ऑब्जेक्ट दैट होल्ड्स टेन इंटेजर्स इन एंड अरे फॉर्मेट और फिर हम चाहेंगे कि आई ऑफ ज़ीरो आई ऑफ वन आई ऑफ टू करके उसको इस्तेमाल किया जा सके आई नाव इज़ नॉट एन इंटेजर इट्स एन ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का इंडेक्स हम काम कर, इस्तेमाल करना चाहते हैं सो इन अ वे वॉट वी वॉन्ट टू डू इज़ टू ओवरलोड द अरे सब्सक्रिप्टिंग ऑपरेटर इन साइड दिस क्लास और फिर जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि हम क्यों करना चाहते हैं ये चीज़ें इसको ओवरलोड करते वक्त हम ये एरे के बाउंड्स की चेकिंग जो है वो बिल्ड इन कर देंगे क्लास के अंदर सो व्हाट वी डू इज़ वी राइट दैट मेंबर ऑपरेटर व्हिच रिटर्न्स अ रेफरेंस टू एन इंटेजर एंड टेक्स एन इंडेक्स एज एन आर्गूमेंट गोज इन चेक्स अगेंस्ट द बाउंड ऑफ दैट एरे अब क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट बनाया है और यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप के साथ काम कर रहे हैं हमारा काम और ज़्यादा आसान हो गया है क्योंकि एरे की लेंथ इज़ अ डेटा मेंबर सो वी कैन स्ट्रेट ऑफ चेक कि जो इंडेक्स दिया गया है एलिमेंट का वो क्या हमारी लेंथ से बाहर तो नहीं है इट इज़ नॉट लेस देन ज़ीरो एंड इट इज़ नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू लेंथ जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है सो द वैलिड वैल्यूज़ फॉर द इंडेक्स विल बी जीरो टू लेंथ माइनस वन that is how we will define this array subscript operator within the class once we have created the object we can just go and use it because it is using a reference it is returning a reference we can use it in any loop like an ordinary array so we can write for j equal to 0 j less than or whatever number we have given up top increment j or phir, i of 0 i of j equal to whatever value we want

जब भी हम मेन प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं int array i10 तो वो 10 इंटेजस की जगह न्यू ऑपरेटर के साथ एलोकेट करता है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आई पी के अंदर रख देता है लेंथ की वैल्यू इनिशियलाइज कर देता है टू द वैल्यू 10 एंड नाउ वी गेट समथिंग व्हिच इज एक्चुअली अ सिंगल ऑब्जेक्ट बट बिहेव लाइक अ वेल बिहेव एरे एंड वेन आई से वेल बिहेव अरे वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट इज के जी इनएडवर्टेंटली भी गलती से भी आप उसका इंडेक्स गलत नहीं दे सकते जस्ट टू प्रूव टू योर सेल्फ कि जी इंडेक्स गलत दिया जा सकता है वाई डोंट यू राइट अ सिंपल सी प्रोग्राम ठीक है आपने लिए एक इंटीजर्स की एरे डिक्लेयर करें ऑर्डिनरी एरे नॉट एन ऑब्जेक्ट और फिर उसको इंडेक्स करके आप प्रिंट करें कि जी 10 इंटीजर्स की एरे आपने एलोकेट की है और 11 या 12 इंटीजर्स को प्रिंट करने की कोशिश करें नॉर्मली यू विल फाइंड के जी गाबेज विल भी प्रिंटेड बिकॉज वी डोंट नो कि वहाँ पर वैल्यू क्या है बट कोई प्रोग्राम में एरर जनरेट नहीं होता प्रिंटिंग तो वैसे ही सेफ ऑपरेशन है बिकॉज पढ़ा और लिख दिया लेकिन राइटिंग इज अ वेरी डेंजरस ऑपरेशन वॉट हैपन्स इफ़ वी व टू राइट इन टू इलीगल मेमरी लोकेशंस हम कहते आई ऑफ जे जे इज़ द इंडेक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी और इंडेक्स की वैल्यू एरे की बाउंड से बाहर है आप किसी और जगह पे मेमोरी में कोई वैल्यू लिख रहे होंगे नाउ अनलेस बाउंस चेकिंग इज़ बीइंग डन एट रन टाइम इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट यू राइट इनटू अ मेमोरी लोकेशन जो कि सिर्फ आपके कंट्रोल में नहीं बल्कि किसी और प्रोग्राम को क्रैश कर दे या पूरे कंप्यूटर को क्रैश कर दे इसलिए वेन वी यूज अ सब्सक्रिप्टिंग ऑपरेटर अपना जब डिफाइन करते हैं वी मेक ए वेरी एलिगेंट एंड सेफ टू यूज एंड देर दिस एग्ज़ाम्पल इज़ एन इम्पॉर्टेंट वन क्योंकि इसका भी इस्तेमाल बाद में काफ़ी होगा यू शुड स्टडी दिस वेल सो आज हमने किन किन चीज़ों की बात की हमने शुरू किया बाय टॉकिंग अबाउट अरेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स अरेज़ ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो थे मैंने बताया कि क्योंकि ये यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं वी कैन एक्चुअली डिक्लेयर अरेज ऑफ़ दिज डेटा टाइप्स याद ये रहे कि जब भी एरे डिक्लेयर होती है तो हर अरे मेम्बर के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और जब आपका प्रोग्राम ख़त्म होगा या एरे डिस्ट्रॉय होगी तो हर ऑब्जेक्ट के लिए उसका डिस्ट्रक्टर कॉल होगा सो इट इज़ सिक्वेंशियल एंड इट हैपन्स फॉर ईच ऑब्जेक्ट जब आप एरे डिक्लेयर करते हैं अगर आप उसी वक्त इनिशलाइज करना चाहें ऑब्जेक्ट्स को तो आप कर सकते हैं यूजिंग ईदर अ कंस्ट्रक्टर कॉल और बाय यूजिंग सम एक्सप्लिसिट वैल्यूज़ फॉर एग्जांपल, अगर कंस्ट्रक्टर कोई आपके पास ऐसा हो उस ऑब्जेक्ट क्लास के लिए जहाँ पे एक आर्गोमेंट से ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकता हो तो देन यू कैन प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ दोज आर्गूमेंट्स ओनली विदाउट एक्सप्रेसिटली कॉलिंग अ कंस्ट्रक्टर एंड यू विल गेट एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड एंड प्रॉपरली इनिशियलाइज्ड। उसके बाद हम गए कि जी एरेज को डायनामिकली भी एलोकेट किया जा सकता है ऑब्जेक्ट्स की एरेज को एंड वी फाउंड दैट वी कुड डू दैट बाई यूजिंग द न्यू ऑपरेटर एंड देर फॉर using the new operator you could actually allocate enough memory for all of the objects that you needed और वो memory जब allocate हो जाती है उसके बाद हर object के लिए constructor call होने लग पड़ता है difference यहाँ पर यह था कि जब new के साथ हम memory allocate करते हैं उस वक्त आप कोई initialization arguments नहीं दे सकते default constructor ही call होगा इसी तरीके से जब delete call होता है तो delete जो है पहले destructor को call करता है यानी ऑब्जेक्ट्स आर डिलीटेड एंड देन द मेमोरी इज फ्रीड सो यू हैव टू बी केयरफो दैट वेन यू यूजिंग न्यू टू एलोकेट मेमोरी फॉर एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स देन व्हेन यू गो टू डिलीट यू मस्ट यूज़ द डिलीट ऑपरेटर विद द एरे नोटेशन अगर आप ये नहीं करेंगे तो सिर्फ पहले वाले ऑब्जेक्ट की मेमरी प्रॉपरली डिस्ट्रॉय होगी क्योंकि एक डिस्ट्रक्टर कॉल होगा जब आप डिलीट के साथ एरे नोटेशन यानी स्क्वेयर ब्रैकेट्स लगा के कॉल करते हैं तो फिर उसको पता होता है कि जी एक एरे डिलीट हो रही है इट गोज बैक लुक्स एट कि कितने ऑब्जेक्ट्स के लिए ये जगह एलोकेट की गई थी उतनी दफा डिस्ट्रक्टर कॉल होंगे और फिर वो मेमरी जो है वापस फ्री स्टोर के ऊपर डाल दी जाएगी वी वेंट ऑन एंड वी लुकड एट द यूज ऑफ न्यू एंड डिलीट एंड वी सेट दैट वी कैन ईवन ओवरलोड दिज ऑपरेटर्स और ओवरलोड के लिए मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए और कुछ इंसेंटिव दिया कि जी कई दफ़ा हम खुद करना चाहते हैं कि जी अपना न्यू लिखें या अपना डिलीट लिखें ग्लोबल न्यू और डिलीट को ओवरलोड करने के ऊपर मैंने थोड़ी सी वार्निंग भी दी कि अगर ये करेंगे तो जो सी प्लस प्लस आपको प्रोवाइड करती है न्यू और डिलीट वो कभी नज़र नहीं आएंगे आपके प्रोग्राम में और आप वाले ओवरलोडेड न्यू और डिलीट ही इस्तेमाल होते रहेंगे उसकी डाउनसाइड्स भी हैं कि जी अब न्यू भी वर्ड पॉइंटर रिटर्न करता है पॉइंटर ऑफ द करेक्ट टाइप रिटर्न नहीं करता बिकॉज इट ओवरलोड्स एवरी टाइप ऑफ न्यू लेकिन अगर आप ग्लोबल न्यू और डिलीट से हट के अगर क्लास के अंदर आप अपना न्यू फंक्शन लिखें यानी इट्स अ मेंबर ऑपरेटर देन इट्स ऑल राइट ओनली फॉर मेंबर्स ऑफ दैट क्लास व्हेन वी क्रिएट ऑब्जेक्ट्स दे विल कॉल द क्लास मेंबर न्यू बाहर से कोई और ऑब्जेक्ट और किसी क्लास का टाइप या नेटिव डेटा टाइप को अगर न्यू के साथ मेमरी एलोकेट कर रहे हों तो जो सी प्लस प्लस का बिल्टिन ऑपरेटर है वही कॉल होगा फिर इसके कुछ लवाजमात थी एंड फाइनली वी लुक एट अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेटर विच वॉज द एरे ऑपरेटर अरे सब्सक्रिप्टिंग ऑपरेटर स्क्वेयर ब्रैकेट्स बजाते खुद हम डिफाइन कर रहे हैं कि जी एरे को इंडेक्स कैसे करना है एंड दिस इज़ वेरी यूजफुल और आइंदा जो आप पढ़ेंगे जब डेटा स्ट्रक्चर्स का कोर्स तो उसमें भी देखेंगे कि ये आपके बहुत काम आएगा कि एरे में आगे पीछे चलने के लिए जो आपका अपना लिखा हुआ ऑपरेटर है वो बाउंड चेकिंग कर देता है सी प्लस प्लस और ऑटोमेटिकली आपको कोई एरे की बाउंड चेकिंग प्रोवाइड नहीं करती आई थिंक दैट वॉज क्वाइट अनफ फॉर टुडे प्लीज स्टडी द हैंड एंड लुक एट द रेफरेंस मटीरियल डेट वी हैव पुट ऑन द लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम टू अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ दिस टॉपिक्स अ लॉट ऑफ रीडिंग एंड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड सो टिल नेक्स्ट टाइम खुदा हाफिज़